और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मध्य प्रदेश में। अब मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। 2 से 3 डिग्री तक तापमान में बढ़त देखी जा रही है। ग्वालियर, उज्जैन और सागर संभाग के जिलों में जो है गरज चमक के साथ बारिश की संभावना इस वक्त जताई जा रही है। नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग में छिटपुट बारिश के आसार हैं। वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा और दिन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़ी जानकारी मौसम से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी मौसम का जो मिजाज है वो बदलेगा, जहां आज से 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। मौसम आज शुष्क रहेगा। 3 से 5 डिग्री जो है तापमान बढ़ने के आसार है। बिलासपुर संभाग में भी बारिश की संभावना, कबीरधाम जिले में बारिश के आसार। रायपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। तो मौसम से जुड़ी हुई ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो है अब मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों के जो मौसम का मिजाज है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई जा रही है, कुछ जिलों में छिटपुट बारिश की संभावना है, तो वहीं कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम साफ रहेगा लेकिन टेम्परेचर बेहद ज्यादा। तो वैभव लगातार संवाददाता भोपाल से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। वैभव, अगर हम ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि किस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, फिलहाल मौसम को लेकर क्या अपडेट अभी आपके पास है? दीप्सी, पिछले 5 दिनों से हम मध्य प्रदेश का मौसम जो देख रहे हैं, वह ठंडी हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, इसके साथ ही कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक को कहना पड़ गया, बयान दिया उन्होंने कि गेहूं की चमक अगर फीकी भी पड़ जाएगी तो भी सरकार किसानों का गेहूं खरीदेगी। मंडियों में जो गेहूं रखा था वो भी खराब हो गया, लेकिन अब कह सकते हैं कि अच्छी खबर किसानों के लिहाज से आई है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो यही कह रहा है कि अब तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ेगा, बादल पूरी तरीके से छट जाएंगे, मौसम साफ होगा। मतलब अब तेज धूप तो उमस का सामना लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल का ये दूसरे हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरीके से तापमान था वो कम था और ऐसा लग रहा था कि बारिश का मौसम है, लेकिन अब तेज गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। मौसम विभाग का यही पूर्वानुमान है कि अब तापमान एकदम से स्प्रेड करके बढ़ेंगे और लोग एहतियात बरतें, क्योंकि सर्दी और गर्मी के चलते वायरल के जो मरीज हैं वो भी तेजी से बढ़ जाएंगे, तो लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वैभव आपका।